हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट स्टार्टेड द न्यू चैप्टर विद फुल एनर्जी एंड जोश। जैसे आपको पता ही है कि मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 3 हफ्ते बाद है। हाँ यार, 3 हफ्ते बाद ही है। तो आई गॉट आइडिया, लेट्स मेक माई स्टडी टेबल थोड़ा कोजी, ताकि नींद से ज़्यादा मैं पढ़ सकूँ। तो हेलो गाइस, खाना पीना तो हो गया। कहते हैं ना, खाना पीना सब कुछ घूमना फिरना टाइम पे हो जाती है, पर पढ़ाई की बात आती है तो फिर बाद में करेंगे, कल करेंगे, कल शाम करेंगे, ऐसे करते करते पूरी साल ख़त्म हो जाती है। अब टाइम आ गई है हमारे यूनिवर्सिटी पेपर की, और 23 जनवरी से हमारा यूनिवर्सिटी पेपर है, और आज है 1 तारीख। जितनी पार्टी करनी थी हमने कर ली, ज़्यादा नहीं की, बस थोड़ा थोड़ा। तो पढ़ा मैंने प्लेसन क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इसके वजह से नहीं हो रही पढ़ाई। अब टाइम है कुछ करने का, तो आज मुझे करनी है फार्मा के क्वेश्चंस, जो मैंने आज लिस्ट बनाई है 6 क्वेश्चंस की। बस 6 का ही लिया मैंने टारगेट आज, और बाकी धीरे धीरे करूँगा, मतलब कल करूँगा। और अभी मैं मॉर्फिन करूँगा, क्योंकि मॉर्फिन स्मॉल टॉपिक है और बहुत इजीली से कवर हो जाएगी। और कल फिर से मैं डीएम करूंगा, क्योंकि डीएम में मेरे काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और डीएम यहाँ से यहाँ कुछ नहीं आती है, यहाँ रहती नहीं है। सोचा फिर भी करनी है। आप में से कोई भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होगा BDS का, ये फिर ही आपको क्वेश्चंस चाहिए होगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के या PPT वगैरह, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा, या आपको टेलीग्राम आईडी दे दूंगा जिसमें मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा या कर चुका होगा, जो भी हो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फिर शुरू करते हैं। बाय। क्यों पढ़नी तो है। अच्छा, तो पहले मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ, विच आई कवर फर्स्ट और कौन सा बाद में। तो मैंने सोचा कि फार्मा से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, यू नो, इसके क्लासिफिकेशंस रखने में, याद करने में इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसके इतने ड्रग्स के नाम होते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ फार्मा से ही स्टार्ट करते हैं, एंड आई पिक द क्वेश्चंस जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो मैं भी राइट डाउन कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने ये प्लांट लिया था कुछ दिन पहले, पर ये काफ़ी सूख रहे हैं, तो मैंने आज पानी डाली थी इस पे। दुख दर्द और पीड़ा को लेके आए हैं आज आनंद। तो बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। बढ़िया है, सब चल रहा है। एग्जाम कल रात से मैं ये 14 क्वेश्चंस करके ख़त्म किया हूँ, और ये मैंने कल रात क्वेश्चंस किया था, और ये मॉर्निंग में, जो कि मैं वीडियो बनाना भूल गया था, लेकिन पढ़ाई मैंने ये क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चंस करनी है। टोटल
22 क्वेश्चन होते हैं और इसे मैं अभी कोट कर देता हूँ। तो मुझे अभी सबसे पहले क्वेश्चन करना है एंटासिड, फिर बीटा ब्लॉकर, फिर हेपरिन, वेफरिन, फिर लोकल एनेस्थेसिया। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम आए हैं ग्रोसरी स्टोर, ये जस्ट हमारा फ्लैट के नीचे ही पड़ता है और कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए था रिसु को और मुझे भी कुछ ग्रोसरी वगैरह चाहिए था, तो जस्ट अभी हम लोग आए हैं। और इतने अनफ्रेश फार्मा पढ़ने के बाद सोचा इस बहाने कुछ अब फ्रेश हवा ही लिया जाए, तो बस निकल गए। अभी मैं पेंसिलिन का क्वेश्चन कर रहा था जो कि फार्मा में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कहते हैं, तो वो पेंसिलिन है जो लॉन्ग में आते ही हैं, तो वो क्वेश्चन मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है जो मतलब बुक में लिखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जा रहा हूँ और इशू से उससे मैं हल करूँगा। लेट्स गो। पढ़ाई कर रहा ये तूने किया है पेंसिलिन? मुझे बताना है क्लासिफिकेशन वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मेरे को। देख सबसे पहले पेंसिलिन क्या होता है, मतलब क्या है? सिलेक्शन सेमी सिंथेटिक और क्या होता है, बीटा लैक्टम इनहिबिटर। ठीक है, नेचुरल पेंसिलिन में क्या आता है, पेंसिलिन जी आता है। ठीक है, एक ही होता है पेंसिलिन जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेंसिलिन बोलते हैं। ये कब काम आता है, जबकि माइल्ड स्ट्रेप्टोकोकल या न्यूमोनल इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा होता है। ठीक है, रिसु ने डिसाइड किया है कि दिन के 10 घंटे तो पढ़ने हैं रिसु को। फोन चला रहा हूँ। तो फोन अभी सामने चला रहा है ना, फिर जाने के बाद फिर पढ़ाई होते रहेगी। रन 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 बहुत। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज आया था तो हमने सोचा था कि बॉयज़ ट्रिप कहीं प्लान करेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर नहीं हो पाया। तो फिर सेकेंड ईयर में सोचा कि चलो ठीक है, सेकेंड ईयर में कहीं भी चलेंगे घूमने के लिए। पर सेकेंड ईयर ऐसे बीत गया, इतनी फास्ट बीत गया, पता ही नहीं चला। फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल, ब्ला ब्ला, ख़त्म। लास्ट के 2 महीना भी नहीं है, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 20 दिन बचे हैं और 20 दिन बाद हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। जो ये फेज होते हैं ना, मतलब एग्ज़ाम से पहले का फेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें इस टाइम इतने प्रेशर होते हैं कि क्वेश्चंस आप पढ़े हुए हो भी फिर भी आप भूल जाते हो। तो मेरे साथ तो यही हो रहा है, पर कोई ना, हो जाएगा, सब करते हैं यार, मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या है, और आप भी करोगे। जैसे आप देख रहे होंगे मेरी आँखों में नींद, अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। रात के हो गए हैं 4 और सुबह जल्द जल्दी उठना भी है, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। और यदि आप सेकेंड ईयर में आओ तो प्लीज़ डीएम और फार्मा स्टार्टिंग से ही पढ़ना, क्योंकि डीएम और फार्मा वेरी फास्ट है और लास्ट मोमेंट पर नहीं होती है, क्योंकि वेरी डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़ करना लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बाकी पैथ माइक्रो भी होते हैं और लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं। आप हमारे हालात देख सकते हो कि क्या ही हो रहा है। यदि आप पहले से पढ़ लेते या मैं पहले से पढ़ लेता तो आज मुझे भी जगना नहीं पड़ता इतनी हद तक, इसीलिए आप भी ऐसा गलती ना करो, ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको। यदि आप
अभी तक आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया है और यदि एनी डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। और कुछ भी एनीथिंग आपको पीपीटी वगैरह नोट्स चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।